Narendra Modi government today told the Supreme Court it cannot make names of overseas account holders public in order to respect a bilateral treaty signed by the Congress government in 1995. The stand flies in the face of Prime Minister Narendra Modi's sharp attacks on the Congress party in the run-up to the general elections. Then candidate Narendra Modi and the BJP had claimed that the UPA government was actually shielding the corrupt and not naming them in public. तो विदेश में धन है, ये दिल्ली की सरकार किसी न किसी कारण से उसकी रक्षक बनी हुई है, उन पैसे भेजने वालों की रक्षा करने में लगी हुई है, उन पैसों की रक्षा करने में लगी हुई है। ये देश की लूट है, और उस देश की लूट के बारे में अगर वो कहते हैं लुटेरे जो है उनके नाम नहीं हम बताएंगे तो कैसे नहीं बताएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल। वी डिमांड दैट द एंटायर लिस्ट ऑफ 700 नेम्स विच हैव कम फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट बी मेड पब्लिक। अभी अभी स्विट्जरलैंड ने जो कानून बदला है और उसका लाभ जर्मनी ने उठाया है, अमेरिका ने उठाया है, भारत ने भी इस अवसर का मौका लेना चाहिए और विदेशी धन जिन जिन के नामों पर हैं वो सारा डिस्क्लोज करना चाहिए। जिन लोगों ने बेईमानी करके देश का यह धन विदेशों में रखा है उनका नाम लेने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार के लोग संकोच क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को नाम देने में 3 साल लगा दिए, परसों जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा तब काले धन बेईमान लोगों के 18 लोगों के नाम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिए। किसको बचा रहे थे माँ बेटे? ये चोर लुटेरों को क्यों बचा रहे थे? Modi's strident anti-graft stand in the run-up to the polls. But barely months into power, those words are back to haunt his government. The centre has told the Supreme Court it cannot name offshore account holders.